ग्वालियर में मां बेटी के डबल मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मां बेटी ने जिस युवक को कुछ दिन पहले नौकरी से निकाला था, उसने बदला लेने के लिए तीन दोस्तों के साथ हत्या की प्लानिंग की और चारों आरोपी हैदराबाद के लिए निकलने वाले थे। इससे पहले पुलिस ने पकड़ लिया। दरअसल सोमवार को सिटी सेंटर अलकापुरी में गार्डन होम सिटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 322 में इंदुपुरी और उनकी बेटी रीना भल्ला का शव मिला था। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध नजर आए थे। पड़ताल करने पर एक युवक इरफान निकला तो रीना के ग्रोसरी स्टोर में डिलीवरी बॉय था। हिसाब में गड़बड़ी करने पर इरफान को रीना ने नौकरी से निकाल दिया था। कल जो एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में जो घटना हुई थी, बहुत ही संवेदनशील घटना थी। उस घटना में इमीडिएटली सारे सीनियर ऑफिसर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमारे आईजी साहब भी मौके पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम सारी टीमें उसमें लगाई गई थी। इनिशियली ये जानकारी मिली थी कि जो 322 नंबर फ्लैट है उसमें दो महिलाओं की मृत शरीर हैं। पोस्टमार्टम के माध्यम से पता लगा कि स्ट्रैंगुलेट करके घटना हुई है। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी। इसमें कई टीमें, एडिशनल एसपी क्राइम श्री कृष्ण लाल चंदानी, क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी, सीएसपी थाना प्रभारी यूनिवर्सिटी, सारी टीमें इसमें लगाई गई थी। 24 घंटे के अंदर ही इस घटना के जो चारों प्रमुख आरोपी हैं पुलिस की हिरासत में, इनके द्वारा अपना जो जुर्म है कबूल कर लिया गया है। अभी इनकी गिरफ्तारी करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये जो परिवार है, इसमें इस परिवार में जो काम करने वाला नौकर था इरफान खान, ये प्रमुख आरोपी है। ये इनके यहाँ डिलीवरी बॉय का काम करता था और 6 महीने पहले इसको किन्हीं कारणों से नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके मन में ये खुंदस थी कि मुझे नौकरी से निकाला गया है, दूसरे लड़के को रखा गया है, तो परिवार से रंजित सकता था। क्योंकि घरेलू नौकर है, इसका लगातार आना जाना था, पूरी जानकारी परिवार के बारे में थी। तो इसने अपने जो साथी हैं अंकुर झा, छोटू राणा और प्रमोद माथुर, इनके साथ मिलकर योजना बनाई कि परिवार है, इसने रंजिश भी है और ये परिवार इस तरह का है कि इसको कंट्रोल करके हम लोग वहाँ से जो भी पैसा है वो ले सकते हैं। तो योजनाबद्ध तरीके से इसके दोनों साथियों को इसने हैदराबाद से बुलवाया और चारों लोगों ने जाके इस पहुँच के घटना की है। अभी 24 घंटे के अंदर टीमों ने लगातार काम करते हुए अलग अलग स्थानों से इनको हिरासत में लिया है। अभी इनसे पूछताछ हो रही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स में शेयर किए हैं।